हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। डज द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 5x + 9 पासिस थ्रू द ओरिजन। मतलब कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 5x + 9, क्या ये ओरिजिन से पास होती है? ओरिजिन का मतलब हो जाएगा जहाँ पर x की वैल्यू भी क्या होगी, 0, एंड y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको इसका रीज़न भी बताना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 5x + 9। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन से पास होंगे या नहीं। तो यहाँ पे हम 0 0 ले लेंगे, यानी x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी यहाँ पे और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट किया y के प्लेस पे 0, 5, x के प्लेस पे भी क्या हो गया, 0 + 9। तो क्या आएगा, देखिए 0 इज इक्वल टू 5 × 0 = 0 + 9। अब देखिए 0 इज इक्वल टू किसके आ गया, 9 के, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 9 के इक्वल टू नहीं होता। तो यानी कि ये क्या करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसका रीज़न हो जाएगा नो, बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय 0 0, और वी कैन से बाय ओरिजन। क्लियर? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। सो इन क्वेश्चन नंबर 14, डज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 3x इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लान दिया हुआ है, तो आपने इसका ग्राफ बनाना है जो हमें इक्वेशन गिवन है वाई इज इक्वल टू 3x। तो पहले हम पॉइंट ऑफ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट निकालेंगे, अगर 2 पॉइंट भी निकालेंगे उससे भी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो एज योर रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 3 पॉइंट भी या फिर 2 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 × 0, तो क्या आ जाएगी आपके पास, 0। यानी कि जब x 0 है तो y भी क्या है, 0। सिमिलर वे से पुट किया हमने, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, देखिए क्या होगा। सो वी हैव, यहाँ पे लिख देते हैं, वी हैव y एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, x के प्लेस पे 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू कितनी है, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 3। सिमिलर वे से पुट किया हमने x के प्लेस पे माइनस का 1, सो वी हैव क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 3, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1, यानी -3। यानी x की वैल्यू जो -1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो अब जस्ट हमें वैल्यू को पुट करना है ग्राफ के अंदर, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। x की वैल्यू देखो +1 है, तो दिस वन हो जाएगा, और वैल्यू क्या है y की, +3, तो ये दिस वन हो जाएगी। तो मीटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस वन। क्लियर? आगे देखिए, x की वैल्यू -1 मनी इस तरफ आ जाएगा, -1 एंड -y, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा ये एक ग्राफ बन जाएगा। अब जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इस लाइन को आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। जब भी आप लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ही वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दीज आर टू क्वेश्चन 13 and 14 फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।